मैम बताइए कि क्या हुआ अंदर में और क्या धाराएं लगी, जो लगी हुई थी धाराएं उस पर कोर्ट ने क्या कहा और जज का क्या रुख रहा? जो धाराएं लगी उसके बारे में पुलिस ने रिमांड मांगी थी 7 दिन की, जो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है और आदिल को अभी जेल कस्टडी दे दी गई है, तो उसको जेल कस्टडी में भेजा गया है। कितने दिनों के लिए जेल कस्टडी में? जेल कस्टडी नॉर्मली जब प्रोनाउंस होती है तो 15-15 दिन की होती है, तो जेल कस्टडी में उसको भेज दिया गया है। उसको पुलिस कस्टडी नहीं दी है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का मौका नहीं दिया गया है और जेल कस्टडी का ऑर्डर करके आज पहले ही रिमांड पे जेल कस्टडी का ऑर्डर करके उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। और आगे अब आपका क्या एक्शन होगा? अभी एक्शन यही होगा कि आदिल जब बेल एप्लीकेशन सेशंस कोर्ट में फाइल करेंगे तो हम उसे अपोज करेंगे और उसके हिसाब से आगे की जो भी लीगल कार्रवाई होगी हम उसको फॉलो करेंगे और हम उसको अपोज करेंगे। राखी के पक्ष में आपने क्या क्या बातें रखी? राखी के पक्ष में आपने सुना ही होगा कि कस्टडी की क्यों जरूरत थी, क्योंकि उसने पैसे चुराए थे, राखी के वीडियोज बना के उसको ब्लैकमेलिंग करता था और दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप थी, कस्टोडियल इंटरोगेशन जरूरी क्यों था, उन सब चीजों पे बहस हुई लेकिन कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अब उसको हम जब वो बेल एप्लीकेशन करेगा तब हम उसके जवाब देंगे। आदिल के वकील की तरफ से ये भी कहा गया है कि राखी सावंत ने भी उस पर हाथ उठाया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो कहेंगे ना अपने डिफेंस में, अब आरोप और प्रत्यारोप होगा तो वो अपने बचाव में तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन वो जो भी बोल रहे हैं वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। और अगर राखी ने उनपे हाथ उठाया था या उनके ऊपर ऐसी कोई चीज की थी, राखी ने जब आदिल ने उनको मारा पीटा तब तक वो पुलिस स्टेशन गई और पुलिस कंप्लेंट दर्ज कराई थी, तो फिर आदिल ने क्यों पुलिस कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई? अब तक वो क्यों चुप बैठे थे और वो क्यों पुलिस में नहीं गए और राखी के खिलाफ शिकायत क्यों नहीं की? उन्होंने तभी करनी चाहिए थी। आज जब आप अरेस्ट हुए और आप इस तरह के बयानबाजी कर रहे हो तो वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और हर चीज का हम जवाब सही वक्त आने पे विद एविडेंसेस देंगे। उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि आदिल रहना चाहते हैं राखी सावंत के साथ मगर राखी सावंत नहीं रहना चाहती, इसलिए वो इतना सब नाटक कर रही है। आप सबने देखा था कि वो मीडिया में आके बार बार स्टेटमेंट दे रही थी, वो पोस्ट कर रही थी कि वो आदिल को वापस बुलाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही थी, कितनी सारी बार उसको रिक्वेस्ट कर रही थी, सारे फ्रेंड्स के थ्रू, इवन वाहिद के थ्रू उन्होंने बात करने की कोशिश की, उनको बुलाया गया पर उन्होंने नहीं माना और आखिर में आके जब मारापीटी की और राखी के साथ जब बदसलूकी की और उसको जब ब्लैकमेलिंग करना शुरू किया तो राखी के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने FIR दर्ज करा दी। नहीं नहीं, अब जो भी देखिए मैटर इज सब जुडिस, तो मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। जैसे वकील साहब ने कहा कि अब वो अपना पक्ष जो है, अपना जो बेल है वो कोर्ट के समक्ष रखेगा, उसका अपोज करना अब हमारा काम है। हम न्यायालय को कन्विंस करेंगे कि जो गलतियां उसने की है आदिल ने, उसका उसको सजा मिलनी चाहिए, तो न्यायालय के सामने अब उसका बेल के अपोज के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं। थैंक यू भाई।